ओए वो देख वो लड़की कुछ ढूंढते हुए आ रही है, लगता है यहीं आएगी, तू रेडी रही हो? इसके हाथ में फोन भी है का? हाय मैं भी लगा लूँ चार्जिंग के? हाँ श्योर, थैंक यू। एप्पल का फोन है आपका? हाँ जी। हाँ लीजिए, मेरा तो हो गया चार्ज, आप लगा लीजिए। अरे लगा लो, हमारा फोन चार्ज हो चुका है और वैसे भी हम किसी का वेट कर रहे हैं तो हमें टाइम लगेगा, तब तक आपका फोन चार्ज भी हो जाएगा। फोन तो ऑन हो गया है, चलो मम्मी को पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ जल्दी से। थैंक यू सो मच। ये देख, उसके फोन का सारा डेटा और उसके सारे फोन के पासवर्ड इस छोटी सी चिप में आ चुके हैं, अब करते हैं उसका बैंक अकाउंट खाली। तो चुप काम में देरी कैसी, चल फिर। चलो फोन थापना। ओह नो, लगता है उन्होंने कुछ किया, कुछ स्कैम कर दिया। शिट, मेरा सारा अकाउंट पहले जीरो हो गया, मेरी इतनी मेहनत के पैसे सारे। तो गाइस, अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खाली होने से बचाना है तो थोड़े सावधान हो जाओ। ये देखिए, सरकार ने ये चार्जिंग स्टेशन हमारी सुविधा के लिए बनाए हैं, लेकिन स्कैमर्स ने यहाँ भी अपना जाल फैला लिया है। ये स्कैमर्स आपको लूटते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चलो ये देखिए, ये चार्जिंग स्टेशन पे लगे हुए पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी डाटा केबल लगाकर चार्ज करते हैं। लेकिन कई बार आप लोग देखते हैं कि ऐसे चार्जिंग स्टेशन पर पहले से ही डाटा केबल लगी हुई होती है इस टाइप की, और होता क्या है कि जो स्कैमर लोग होते हैं वो इस डाटा केबल के अंदर एक छोटी सी चिप फिट कर देते हैं और इसमें लगाकर छोड़ देते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस चिप के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है और फिर वो स्कैम करने वाले लोग उस चिप के जरिए आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसी जगह पर अगर चार्जिंग स्टेशन यूज करें तो वहां पर अपनी डाटा केबल ही यूज करें, पहले से लगी हुई डाटा केबल बिल्कुल भी यूज ना करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।